का हमारा विषय ही है टोटली मेडिटेशन पे. सो टुडे वी आर रियली गोइंग टू लर्न कि मेडिटेशन क्या होता है. और जब भी मेडिटेशन तो फैशन की बात है आजकल. जब हम आए हम लोगों ने, जब मैंने शुरू किया था आज से 25 साल पहले, तो मेडिटेशन तो बोलते थे लेकिन इतना कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता था. ऐसा ऐसा समझते थे कि वो एक लाइक यू नो डिफरेंट कैटेगरी वाले लोग करते हैं मेडिटेशन. यू नो जिसको कुछ काम धंधा नहीं है, रिटायर हो गए है ना, ध्यान में बैठना है, टाइम बहुत है और कुछ काम नहीं है तो चलो बैठो ध्यान में, राइट. लेकिन अभी मेडिटेशन लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, राइट. वो कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है. और कुछ ही सालों में मेडिटेशन मेडिसिन बन जाएगी. प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर दवाइयों के साथ मेडिटेशन लिखना शुरू कर देंगे. दैट इज यू आर गोइंग टू सी दैट. बिकॉज मोस्टली जो भी दवाइयां काम करती है, लेकिन दवाइयां खाते वक्त भी अगर हमें ये डाउट है कि ये दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, दवाइयां काम नहीं करेगी. क्योंकि आत्मा की आजकल बुद्धि जो है ना, डाउट बुद्धि ज्यादा है, राइट. डाउटफुल है ना हर बात में, हमें डाउट जल्दी इजीली हो जाता है, पता नहीं, आई डोंट नो, हमें विश्वास नहीं है और हमें शक हो जाता है, हमें श्योरिटी चाहिए, हमें ट्रिपल कंफर्मेशन, 5 times कंफर्मेशन चाहिए. तो ऐसी समाज में और ऐसी स्थिति में रहने से हमारी बुद्धि का प्रभाव जो है हमारी दवाइयों पे भी होता है, हमारे शरीर पर भी होता है. तो शरीर बीमार होगा, दवाइयां खाएंगे, लेकिन दवाइयों में विश्वास नहीं होगा तो दवाई काम नहीं करती है. और इसीलिए देखो मेडिसिन के भी जो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक होते हैं उसके अंदर रिसर्च किया गया है, जो पेशेंट विश्वास से, पॉजिटिव एटीट्यूड से दवाइयां खाते हैं, और जो जो आत्माएं हैं जो डाउट से दवाइयां खाते हैं, उनके रिकवरी पीरियड में काफी फर्क दिखाई देता है. बिकॉज योर डाउट इज नॉट लेटिंग यू हील. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जल्दी हो जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मेडिटेशन जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा. सो टुडे इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन. सो पहले मेडिटेशन या ध्यान या राजयोग या उसको समझने के पहले हम ये समझे, क्योंकि दुनिया शब्दों की है, शब्दों से दुनिया थमी है. तो राजयोग या योग जो है वो शब्द कहाँ से आए, उसका अर्थ क्या है. क्योंकि कोई भी चीज जो भी हम समझते हैं तो उसके डेफिनेशन से समझते हैं ना. साइंस में भी अगर हमें केमिकल समझने हैं, हमें फिजिक्स के समझने हैं, तो हमें पहले उसके डेफिनेशन समझाए जाते हैं. तो पहले हम योग का डेफिनेशन समझते हैं. तो योग का डेफिनेशन क्या है, तो योग जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के शब्द युज से हुई है. एंड युज माना कनेक्शन. मेडिटेशन इज नथिंग बट कनेक्शन. और कनेक्शन किससे होता है, व्हेन एंड वेयर यू फील कनेक्टेड. आप मुझे आपके अनुभव से, जीवन के अनुभव से शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है वेयर एंड विथ होम यू फील कनेक्टेड. आपको क्या लगता है व्हेन यू फील कनेक्टेड, दैट आई एम कनेक्टेड, वेयर डू यू कनेक्ट विथ, हम कनेक्ट कैसे होते हैं. व्हेन वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड. नहीं नहीं, मैं आपको डिस्कनेक्ट की नहीं पूछ रही, मैं बोलो कनेक्ट कैसे करते हैं, हम कनेक्ट करते किससे हैं. जब एक सी ट्यूनिंग हो जाती है, एक सी बातें, थिंकिंग सबका सेम हो जाता है, तब यू फील लाइक यू आर कनेक्टेड. जब एक जैसा सोचते हैं तो जो एक जैसा सोचने वाले हैं उनसे हम कनेक्शन फील करते हैं, राइट. आपका मतलब करेक्ट. ओके, और कोई सजेशन, थॉट्स. जो हमको बहुत अच्छे से समझता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं. जो हमें अच्छे से समझता है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं. और किससे कनेक्ट होते हैं, आपका बॉस आपको अच्छी तरह से समझता है हमेशा, नहीं उससे कनेक्ट होते हैं आप कि नहीं होते हैं. नहीं होते, क्यों होते हैं, होते हैं,
हम कनेक्ट उससे होते हैं जो अच्छी तरह से समझते हैं, हम उससे भी कनेक्ट होते हैं जो हमको अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं समझते. करेक्ट, ऐसा भी होता है ना. हमें है ना, अगर आप अपने अपने थॉट प्रोसेस को और अपने एक्सपीरियंसेस को अगर आप एकदम शॉर्ट में करना चाहते हो ना, दो शब्दों में करना चाहते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, और हम उनसे कनेक्ट जल्दी करते हैं जिनको हम प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं. मतलब हम उसे जल्दी इजीली याद कर सकते हैं जो पसंद है, और उसको भी इजीली याद कर सकते हैं जो नहीं पसंद है. बराबर, दोनों को अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं ना. हा? तो ये जो कनेक्शन होता है उसको ही बोला जाता है योग. पता है पहले के जमाने में, हमारे जमाने में तो आजकल हम लोग ज्यादा कब बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो होरोस्कोप मैच करते थे. पता है होरोस्कोप मैच करते हैं ना, राइट? तो होरोस्कोप मैच करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर होरोस्कोप मैच करते हैं, अगर मैच नहीं होता है तो ज्योतिषी क्या बोलता है? इन लोगों का योग नहीं है, ये बोलते हैं ना. और किसी लड़की की शादी नहीं होती है बहुत समय तक तो कि नहीं नहीं उसको 25-26 साल तक कोई योगी नहीं है, बोलता है, राइट? इसका योगी नहीं है, राइट? तो ये योग क्यों बोलते हैं? अभी वहां पे वो तो योग नहीं लगाने बैठी ना, ऐसे समुद्र ऐसे मेडिटेशन करने तो नहीं बैठी है, तपस्या तो नहीं कर रही है वो, तो क्यों ऐसा बोलते हैं कि इसका योग नहीं है? मैंने उसका कनेक्शन नहीं है. किसके कनेक्शन नहीं है? कार्मिक कनेक्शन नहीं है. उसका कार्मिक कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ नहीं है जिसके साथ उसका कार्मिक कनेक्शन जब शुरू होता है तब आत्मा एक दूसरे के लाइफ में एंट्री करती है. इफ समबडी हैज योर लाइफ एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली because you have yoga with that soul, you have karma with that soul, that's why they are there, right? तो इसे कहा जाता है योग. योग माना जो हमने बाहर दुनिया के डेफिनेशन में जो योग समझा है तो उसके कई प्रकार है. सबसे पहले जो वर्ल्ड नोन योग है वो है हठ योग, जो फिजिकल योग है, right? वेस्टर्न कल्चर में हठ योग. अभी हठ योग माना क्या है? हठ माना डिसिप्लिन. अगर योग सीखना है तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में कुछ डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ती है. कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं सीखना है, लेकिन 10 बजे आके कुर्सी पे आके बैठना तो पड़ता है ना. योग सीखने के लिए कुर्सी पे आके बैठना तो पड़ता है ना. मैं आपके पास जिम्नास्टिक्स तो नहीं करवाती हूँ, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, ये करो, वैसे करो, हाँ टांग ऊपर करो, वो तो नहीं करा रही हूँ मैं आपको, लेकिन कुर्सी पर तो बैठना पड़ेगा ना. तो योग सीखने के लिए एक डिसिप्लिन लानी पड़ती है. तो जो हठ योग है माना फिजिकल डिसिप्लिन से परमात्मा की प्राप्ति. देखो हिंदुस्तान जो योग की भूमि है, योगियों की भूमि है, उस योगियों की भूमि ने जो भी योग सिखाया है या प्रकार इन्वेंट हुए हैं, अल्टीमेटली इट इज अ डिफरेंट राउट. यू नो, हम लोग जब जीपीएस में डालते हैं कि हमें यहाँ जाना है तो हाईवे 1 है, हाईवे 1 से भी ले जाते हैं, हाईवे 5 से भी ले जाते हैं, गलियों से भी ले जाते हैं, तो कितने सारे फ्रीवेज होते हैं. कौन से फ्रीवे से ले पहुंचना है वो हमारे ऊपर है, तो वो चूज हम करते हैं, राइट? देन देर इज अ लाइक जब हमारे पास ऑप्शन आते हैं हम जीपीएस में प्रेस करते, ओके देर इज अ फास्टेस्ट रूट, देर इज अ इकोनॉमिकल रूट, देर इज अ शॉर्ट रूट, राइट? आपको कौन से राउट से जाना है. तो योग जब बनाए गए, योग की जब इन्वेंशन की गई या उसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए गए तो हठ योग एक एक्सपेरिमेंट था. और हठ योग के द्वारा योगी क्या करते थे? जंगल में जाते थे, हठ योग करते थे, एक टांग पे खड़े रहते थे, तपस्या करते थे. क्यों करते थे? भगवान को पाने के लिए करते थे, अपना जो है फिगर मेंटेन करने के लिए नहीं करते थे, राइट? जंगल में जाके तपस्या योगी फिगर मेंटेन करने के लिए करते हैं? नहीं. फिजिक मेंटेन करने के लिए करते हैं? नहीं.
भगवान को प्राप्ति के लिए करते थे. एग्जैक्टली. फिर मंत्र देना शुरू करते हैं. कई लोग गुरु के पास जाते हैं, मंत्र दो. क्यों मंत्र दो? क्योंकि मंत्र माना, मंत्र शब्द कहां से आया? मंत्र शब्द आया मंत्री से. मंत्र क्यों चाहिए? बिकॉज दैट मंत्रा एंड चैंटिंग इज वेरी फेमस इवन इन वेस्टर्न कल्चर. वो आई एम चैंटिंग मंत्रा. मंत्रा क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है. तो कहते हैं ये मंत्र जपो और फिर आप मंत्र जपते जपते आपको क्लैरिटी आ जाएगी. तो मंत्र का योग है. फिर ज्ञान योग है, ज्ञान से भगवान की प्राप्ति करो. फिर भक्ति योग है कि तप करो, पूजा करो, उपवास करो, ये सब करो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, कुछ अटेनमेंट मिल जाएगा. अभी देखो लोग ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तानी करते हैं. नहीं, कोई भी धर्म में देखो जो नंस होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो भी माला फेरते हैं, राइट? मुस्लिम के जो मौलाना होते हैं वो भी माला फेरते हैं. हाँ, हम भी 108 की माला फेरते हैं और तीनों की माला 108 की मोस्टली होती है. और माला होती है ना तो ऊपर मेरुदाना होता है और पता है वो फुमते जैसा होता है, लाइक ऐसा, राइट? देखा है ना, फुमता होता है. तो ऐसी माला, सबकी माला सेम ही होती है. क्रिश्चियन की माला सेम है, हिंदू की माला सेम है, मुस्लिम की माला सेम है, बौद्धा की माला सेम है, सबका माला सेम है. तो माला क्यों जपना है? सेम भक्ति मार्ग है ये. तो भक्ति से भक्त बन के परमात्मा को याद करना. योग लगाना माना क्या? कनेक्ट विद द डिविनिटी विद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म. भक्ति योग, कर्म योग. कई लोग कहते हैं कि भगवान पर, हम तो इंसान की सेवा करने में ही भगवान की मानते हैं. यू डू गुड कर्म एंड दैट्स इट, तो भगवान मिल जाते हैं. दैट्स द बॉटम लाइन. कि कुछ भी करो, लोगों की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, भगवान मिल जाते हैं. तो ये सब जो योग बने या जो योग हमने समझे हैं वो एक डिफरेंट डिमेंशन में तब जाता है जब हम अपने पहले आप को समझे. क्योंकि कर्मयोग करने वाला कौन, हठयोग करने वाला कौन, भक्ति करने वाला कौन, ज्ञान सुनने वाला कौन, कौन? आई एम द सोल. तो कहते हैं कि जहां सभी योग एंड करते हैं वहां राजयोग शुरू होता है. एंड दैट्स व्हाई जब कोई भी योग होगे ना तो इतनी सारी बातें करेंगे, बातें करेंगे, बातें करेंगे, फिर कहे यू आर अ सोल. और सोल तब पर वहां पे स्टॉप हो जाता है. लेकिन राजयोग का पहला ही चरण है यू स्टार्ट विद द सोल. तो जहां सब योग खत्म होते हैं वहां राजयोग शुरू होता है. और इसीलिए उसे राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सभी योगों का राजा है. अभी उसको राजा योग क्यों कहते हैं? मीनिंग ऑफ राजयोगा, राज प्लस योगा मीन्स इट इज अ कनेक्शन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम विच इज ओनली पॉसिबल थ्रू राजयोगा. आत्मा का सुप्रीम एनर्जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करने का सिंपल मेथड एंड विच इज द हाइएस्ट मेथड. सिंपल है इसीलिए इसे सहज राजयोग कहते हैं. मैं जब भी स्वामी विवेकानंदा की फिलोसॉफी स्टडी कर रही थी, इसके पहले मैं राजयोगा में आई हूँ, स्वामी विवेकानंदा की मैंने राजयोग की बुक पढ़ी. और वो बुक पढ़ी तो मुझे फील हुआ कि दिस राजयोगा इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि जब स्वामी विवेकानंदा की भी, जब आप अगर राजयोग की और किसी योगी की, राजयोग के ऊपर ज्यादा बुक्स नहीं है, स्वामी विवेकानंद की ही है. तो स्वामी विवेकानंद जी की बुक जो है उसके अंदर जो राजयोग का जो डेफिनेशन लिखा था, इट इज मोर डीप ऑन द सोल माइंड सटल कॉन्शियसनेस. तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया, इसलिए फिर मैंने अपना जो सफर है वो राजयोग में आगे चालू किया. और फिर जो राजयोग से जो हमें स्लोली स्लोली जो अटेनमेंट फील होती है आत्मा को, आत्मा स्टार्ट फीलिंग लाइक समथिंग, यू नो, एक ऐसा होता है कि एक वैक्यूम हो जाता है या एक खालीपन जो होता है, तो वो धीरे धीरे इस मेडिटेशन से ऐसे लगता है कि यू नो ये सब कुछ सेटल हो रहा है. लाइक इट, यू फील लाइक इट्स लाइक आई एम गेटिंग मोर एंड मोर आउट ऑफ द साइड रोड्स. लाइक दैट्स हाउ आई फेल्ट,
कि जैसे मुझे मेरे प्रश्न खत्म हो गए, मेरी मेरी बुद्धि का भटकना खत्म हो गया, आई कुड फोकस क्लियरली, आई कुड सी द थिंग्स क्लियरली, आई कुड अंडरस्टैंड द पीपल क्लियरली, बिकॉज हमें ये योग और जीवन अलग नहीं है, ये निवृत्ति मार्ग बोलो कोई जीवन नहीं है, हमें घर में रहना है, संबंधियों के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, जॉब में करना है, और फिर हमें उसके साथ साथ ये योग करना है, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा भी घर है, फुल टाइम जॉब है, स्टिल आई एम डूइंग दिस एंड प्रैक्टिसिंग दिस फॉर लास्ट 25 years, एंड आई फील गुड अबाउट लर्निंग इट अलोंग विथ माई लाइफ. सो ये एक ऐसा योग है जो निवृत्ति मार्ग वालों का नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का, ये रिटायरमेंट पर्सन का नहीं है, ये हम जैसे लोगों का है जो घर में रहकर कर सकते हैं. क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना योग करना है, तो इसलिए वो अलग है, हम अलग है, योगी अलग है, वो हमारे हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं है. तो योग को जो है वो सिंपल शब्द में कहा जाता है याद. ओके, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं या किसी व्यक्ति को भी याद करते हैं, तो उसके जो है कारण ये चार होते हैं. एस्पेशली जब भगवान को याद करता है इंसान, तो उसके ये चार कारण से करता है. पहला है स्वार्थ का कारण. भगवान को याद कब करते हैं आप लोगों में से जो याद करते हैं, कब का याद करते हैं, क्या सीखा है बच्चे को, क्या सिखाया है, वो तुम्हारी एग्जाम है ना, जाओ भगवान को याद करो, भगवान है ना अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स देगा, जब कोई संकट हो. हाँ, भगवान के पास बच्चे को बचपन से सिखाते हैं, जाओ भगवान के पास बोलो कि मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे एग्जाम में पास कर दो, मेरे अच्छे नंबर आ जाए, जाओ जाओ जाओ, यही सिखाया, मतलब मांगने जाओ, राइट, अपने फायदे के लिए जाओ. दूसरा, दुखी हो गए, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, इसीलिए भगवान जब डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं होता तो कहते जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी ऊपर वाले को याद करो, इवन डॉक्टर सेज दैट, राइट, आई कैन डू, यू गो एंड प्रे, राइट, इवन वेस्टर्न कल्चर में भी कहते हैं यू शुड प्रे. प्रे माना किसको प्रे करेंगे, वो डिविनिटी को प्रे करेंगे, प्रे कौन कर, प्रे करेंगे तो क्या सुनेगा, कौन सुनेगा, तो आज ये भी समझेंगे प्रेयर और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है. दूसरा, डर से याद करते हैं, है ना, कुल देवी नाराज हो जाएगी, वो श्राप दे देगी, ऐसा हो जाएगा, भगवान को याद नहीं करेंगे, गणपति की पूजा नहीं करेंगे तो फिर संकट आ जाएगा, नो काइंड ऑफ लाइक दैट. तो करना है क्योंकि हमें बच के रहना है, सेफ साइड, तो गॉड की एक सेफ साइड भी बना के रखिए. और दूसरा नियम है, आपके बच्चे भी आपको पूछते हैं मम्मी ये सब आप ये घंटी विंटी क्यों बजाते हो, नहीं घंटी बजानी पड़ती है, क्यों घंटी बजानी है, जवाब है क्या, भगवान बहरे है क्या, सुनते नहीं है, घंटी क्यों बजानी है उनको, घंटी क्यों बजानी है, मैं पूछ रही हूँ आपको, किसी को पता नहीं, बस घर में चला आता है तो सभी ऐसे करते हैं ऐसा लगता है मुझे तो. घंटी बजाने का जो हमें पर्पस पता है उसमें शून्य होना, बेसिकली जो बाकी थॉट्स हैं आपके वो खत्म हो जाए वाइब्रेशंस की वजह से. हाँ, हम घंटे जोर जोर से बजाए और बाजी वाले की नींद चली जाए, नहीं मतलब घंटियां कंटिन्यूअस नहीं बजाने का, बेसिकली जब आप जा रहे हो अब आपको अटेंशन चाहिए ताकि टेंशन खत्म हो, तो ध्यान लगाने के लिए कि हाँ अपने माइंड को रिमाइंड कराना. अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ लोग भजन करके करते हैं, कुछ लोग चैंटिंग करके, कुछ पीस में करते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे वी हर्ड. लेकिन मेजॉरिटी जो जाते हैं मंदिर में जागते हैं या जो जो से आवाज बजाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम करते क्यों है, क्यों करते हैं, क्योंकि बोला है मंदिर के बाहर चप्पल क्यों निकालना है, चप्पल पहन के मंदिर में क्यों नहीं जाते. बेसिकली पवित्रता तो अंदर होनी चाहिए, पर एक कहते हैं ना व्यवहार की बात है, जैसे खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं, उसी तरह से जूते कहे गए कि उसमें मिट्टी वगैरह है तो कहीं अच्छी जगह जा रहे हो तो गंदगी साथ ना लेके जाओ. राइट,
उसके उसके अर्थ के लिए मैं दूसरा एक क्लास कराएगी। फिर आप वो मूर्ति के आजू बाजू प्रदक्षिणा क्यों घूमते हो, फिर पत्थर को ऐसे ऐसे क्यों करते हो, राइट? लेकिन हमने कभी पेरेंट्स को पूछा नहीं, पेरेंट्स ने बोला हमने किया, राइट? और फिर वो आरती गाएंगे, आरती के अंदर सामने रखे होंगे दो चार फ्रूट और लिखेंगे ओ भाव जमो जमाड़ू भावना भोजन आ खाओ ने तेव खाओ ने, मैंने तो लड्डू रखे हैं ना, पूरी रखी है ना, बासुंदी रखी है ना, भजिया रखा है ना, पकौड़ा रखा है, कुछ रखा नहीं होगा, राइट? लेकिन आरती वो गाएंगे क्यों? नियम है, राइट? नियम है, नियम करते जाना है। तो इस तरह से भगवान को याद करते हैं, राइट? तो अगर ये सब बात के बेस कर हमारी याद है तो हमें प्राप्ति कैसी होगी? तो परमात्मा, तो योग के जो डिफरेंट, जब हम मीटिंग करते हैं दैट इज आल्सो योग, कम्युनियन करते हैं तो भी योग, फोन पे बात करते हैं तो योग, रिलेशनशिप में भी योग, तो दिस इज ऑल अ योग। योग इज नथिंग बट याद, कनेक्शन, ओके? और योग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल लेवल पे, जो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि दो कनेक्शन अगर वायर के करने हैं तो आपको ऊपर का कवर निकालना पड़ता है, देन यू कैन कनेक्ट एंड देन इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, दैट पावर कैन एक्सचेंज। इसी तरह से कि दूसरा होता है मानसिक योग। मानसिक योग माना मन को किसी याद से जोड़ना, मन को किसी याद से जोड़ना माना हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठते हुए, आप मेरे सामने बैठते हुए भी अगर आप किसी और व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो आप यहाँ नहीं है, आपका योग उस व्यक्ति के साथ, समझे? तो आई एम कनेक्टेड, आई एम वेयर माई माइंड इज कनेक्टेड। तो मन से जो है वो योग होता है, वो बहुत पावरफुल योग होता है। इसीलिए गीता में कहा जाता है मन मना भव, तन मना भव, तना भव नहीं कहा है। परमात्मा नहीं कहते कि आपका शरीर मेरे से जोड़ो, परमात्मा कहते हैं मेरा मन मुझसे जोड़ो। तो मन से जो योग होता है वो किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लेवल का योग जो है वो जाता है सटल कॉन्शियसनेस के ऊपर और वेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस के ऊपर, अपनी डिविनिटी से यूनिवर्सल डिविनिटी को इन्वोक करना और उससे कनेक्शन करना, माना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल योग। तो आज लोग रिलीजियस से अपने आप को स्पिरिचुअल कहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि व्हेन देयर इज अ एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जब स्पिरिचुअलिटी का डिमेंशन आता है तो लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है, टाइम की लिमिट खत्म हो जाती है, स्पेस की लिमिट खत्म हो जाती है, एंड यू आर कनेक्टेड टू द अनलिमिटेडनेस एंड पीपल लव टू बी अनलिमिटेड, राइट? आज इंटरनेट ने क्या किया है, हमें सभी बाउंड्री से बाहर कर दिया है, राइट? क्या आपको लगता है कि अगर बिना जूम के मैं मेडिटेशन क्लास कराती तो इंडिया से आप ज्वाइन कर सकते थे? हाँ, दुबई से आप ज्वाइन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने बाउंड्री लेस दुनिया को बना दिया है, देयर इज नो बाउंड्री एनी लेफ्ट। सो दैट्स हाउ स्पिरिचुअल लेवल पे भी आध्यात्मिक योग क्या होता है कि हमें अपने लिमिटेड थॉट प्रोसेस की बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। वी ट्राई टू सी थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब तक अपने अपने बिलीफ सिस्टम के, अपनी विचारों के, अपनी जड़ता के बॉक्स के अंदर अपने आप को जेल के अंदर बंद करके रखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंस के लिए पहले अपने आप को अपने मन के बंधनों से हमें मुक्त करना पड़ता है, वो हम आपको यहाँ सिखाते हैं। हाउ यू फील फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन बॉन्डेजेस। We have created lot of our own tight mental, very strong bondages. And unless and until we don't free ourselves from that, it is very difficult for us to go to the beyond dimension. So that's what happens in spiritual journey.
योग के अंदर गुरु जो होता है वो आपको खींचता है. यू जस्ट कम आउट ऑफ दिस बॉक्स एंड यू लिव इट. पता है आपने वो फेसबुक के ऊपर ये बहुत फेमस था कि एक होती है फिश जो एक वो मटके के अंदर फिश होती है और दूसरी फिश जो होती है वो समुन्दर के अंदर होती है, राइट? तो समुन्दर के अंदर रहने वाली फिश और फिश टैंक में रहने वाली फिश, आपको फर्क लगता है? फर्क लगता है? Yes. क्या फर्क है समुन्दर में तैरने वाली फिश और फिश टैंक में तैरने वाली फिश, क्या फर्क है? समुन्दर में तैरने वाली और समुन्दर और फिश टैंक में तैरने वाली फिश में क्या फर्क होता है? फिश तो फिश ही होती है ना. समुद्र में उसको फ्रीडम है पूरी, वो कहीं भी आ जा सकती है. टैंक में उसको लिमिटेड स्पेस है उसी में रहना. अच्छा, सिर्फ स्पेस की लिमिटेशन है? ओके. नहीं, बाकी भी है. खाना पीना हम उसको अपने हिसाब से दे रहे हैं. वो जहाँ है वो अपनी मर्जी से सब कर रही है. राइट. और क्या है? जो फिश टैंक की फिश है उसके पास लिमिटेड चॉइसेस है एंड डिपेंडेंसी है. बाउंड्रीज है, डिपेंडेंसी है. और जो समुन्दर में फिश है उसके पास चॉइसेस ज्यादा है, बाउंड्री है. तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में कोई बाउंड्री नहीं है. यू स्विम द वे यू वॉन्ट एंड यू चूज वॉट यू वॉन्ट टू ईट. It's sorry. Not by the book. कोई book sorry. नहीं. Sorry sister. जी. Sorry sister, एक question था. जो समुद्र वाली fish है, जैसे कहा जाता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वहाँ उसको उस चीज का डर भी होगा? हाँ, definitely छुप सकती है वो. पर जो small वाले pond उसमें है aquarium में, वहाँ उसको शायद थोड़ा safe है. आपको लगता है कि सेफ्टी के लिए किसी भी पोपट को हमेशा पिंजरे में रहना चाहिए? नहीं, मैं इस बात में नहीं विश्वास रखता, पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक खुले में घर पे खुले में रहे और एक घर पे रहे बंदा, तो खुले में तो बंदा को बहुत आजादी है, हवा अच्छी है, पर सेफ्टी भी थोड़ी कम हो जाती है ना. तो वही एक पॉइंट था. तो अगर आपके पास कोई जवाब है तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं सिस्टर. मैं अपना एक्सपीरियंस देती. जी दीदी, मैं घर में थी, 19 साल की थी. मेरी बहन की शादी होने वाली थी जब मैं ज्ञान में आई. तो मेरी बहन की शादी होने वाली थी, बड़ी बहन शादी हो गई, नेक्स्ट मी, राइट? अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द खानदान, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी मुझे शादी करनी है, कंपल्सरी है. क्योंकि लड़की है, लड़की को शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है, ये सोसाइटी के नॉर्म है. अभी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम इन ऑल दैट स्टफ. मेरे लिए ये मेरे सोसाइटी को, मेरे आसपास के लोगों को समझाना, मतलब क्या कहते हैं, पत्थर पे अपना सर फोड़ना, राइट? बिल्कुल सही बात है. पत्थर पे सर फोड़ना. अभी मैंने चूज किया, मुझे पत्थर पे सर फोड़ना है या अपना जो मैं बिलीव करती हूँ उसको करते रहना है. मैंने पत्थर पे सर फोड़ना बंद कर दिया. उन्होंने मुझे पत्थर मारना चालू रखा, मैंने पत्थर के साथ डील करना बंद कर दिया. और मैं करती रही, करती रही, करती रही. और फिर मैंने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते थे वो गलत नहीं था, लेकिन मैंने उसको कहा था, उनको कहती थी मैं, लेट मी ट्राई, आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. मैं कोई गलत कंपनी में नहीं जा रही हूँ, मैं कोई आपका नाम नहीं डुबो रही हूँ, मैं कोई कैरेक्टरलेस काम नहीं कर रही हूँ. आई एम डूइंग द सेफेस्ट थिंग. बट फॉर देम, शादी करो, एक पटरी पे चलो. बॉम्बे में रहती थी, वेस्टर्न रेलवे में मैं रहती थी, दहीसर में, बोरीवली में. बस वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन जाती है, उसी पटरी पे चलो. अभी मुझे जाना था हार्बर और सेंट्रल में, आई वॉज नॉट अलाउड. तो मुझे जाना था, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना. तो मुझे वो तोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे दूसरा डिमेंशन
ट्राई करना है, उसके अंदर रिस्क भी है, पत्थर भी लगेंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, जमेगा नहीं जमेगा, राइट? बट मैं रेडी थी, सो आई लेफ्ट. आई विलिंगली लेफ्ट माई होम. आई डिडंट लिसन टू माई पेरेंट्स एंड आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू. बड़ी मछली बड़ा बाहर नहीं है, पेरेंट्स का प्रोटेक्शन नहीं है, शादी नहीं की है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, ये हो जाएगा, सोसाइटी खा जाएगी, फलाना ढिकना ढिकना ढिकना, बहुत नेगेटिविटी मुझे बताई गई थी. बट आई हैड टू बिलीव इन माई कर्मा. वॉट वॉज माई थिंग, मैं ये मानती थी माई कर्मा, माई कॉन्शियसनेस एंड माई स्ट्रेंथ. आई एम टेकिंग स्टेप्स ऑन दिस थ्री बेसिस. मैं उस बेस पे नहीं ले रही हूँ कि दुनिया कितनी खराब है, दुनिया खराब है या नहीं खराब है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पता होना चाहिए मेरे बाजू में ताकत कितनी है, मेरी विंग्स कितनी मजबूत है, मेरे कर्मा क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, और उस हिसाब से मैंने तैरना सीखा. मैंने वहां पर जाकर रहना सीखा, वो करना सीखा जिसमें मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ, राइट? इसी तरह से ऐसा नहीं है कि हम बड़े, मैं नहीं ट्राई करती तो मुझे कैसे पता चलता. Okay, now I am married. That time I didn't want to get married. It's okay. People judge you. Okay. I don't care. When I got married, people started judging me. I don't care. I just got married few years back. People started judging me. That's their problem. Let them judge. I don't let other people dictate my life. Period. And that strength you get when you know what is the difference between spirituality and religion. मैं, हम religious नहीं है तो हमें कोई भी boundaries, लोगों की बातें, समाज, लोगों की दृष्टि, लोगों के definition हमें नहीं बताते बनाते हैं. हम वो बनते हैं जो हम है. और मुझे किसी को जाके मुझे prove करने की जरूरत नहीं है what I am. And that's what spirituality has given me strength. I am not dictating my life on the basis of books written by, norms written by, laws written by people. And that strength you cannot get it if you have a very stagnant, limited thought process. And that's what I liked about spirituality. कि मुझे कोई भी अपने आप, मेरा दर्पण मैं हूँ. मेरा दर्पण वो नहीं है जो लोग मुझे दिखा रहे हैं. Right? तो मैं कौन हूं उसकी स्ट्रेंथ उसके साथ जीना. मैं जब इसमें आई तो सब बोलते थे ये कोई नया धर्म कर रही है, फलाना कर रहे हैं. बोलो, आपको जो बोलना है वो बोलो, जो करना है वो करो. मैं उनको हर्ट नहीं करती थी, उनको बुरे शब्द नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन मैं वही करती थी जो मेरी आत्मा और मेरा वजूद और मेरी कॉन्शियस मुझे लीड करती. तो वो शक्ति स्पिरिचुअलिटी से आती है. वरना हम दुनिया की वो चार दीवारी के अंदर, बॉक्स के अंदर अपने आप को सीमित करके रखते हैं. तो तीन प्रकार के योग होते हैं. एक होता है लौकिक योग, दूसरा होता है अलौकिक योग, और तीसरा होता है पारलौकिक योग. एक होता है जो हम इंसानों को रिलेट करते हैं, इंसानों को याद करते हैं. दूसरा जो हमारे इष्ट देवता है, जैसे कि हम खुदा को याद करते हैं तो खुदा को याद करते हैं, क्राइस्ट को याद करते हैं तो क्राइस्ट को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण को याद करते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं. तो ये इनको जब हम अपने इष्ट देवता को याद करते हैं तो उसे कहा जाता है अलौकिक योग. और जब हम अपनी एनर्जी को सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो इसे कहा जाता है राजयोग. तो राजयोग माना एनर्जी टू एनर्जी कनेक्शन, गो आउट बियॉन्ड द फिजिकल एस्पेक्ट, go into the metaphysical consciousness level. Okay? तो अभी मैं आपको हम meditation करते हैं और इस meditation में हम देखते हैं कि where do we stand. Okay? So close your eyes and आप ऐसे समझो कि आप एक बहुत बड़े, visualize करो कि आप बहुत बड़े मैदान में खड़े हो. आप बहुत बड़े मैदान में खड़े हो
और आपके आप उस मैदान में बहुत बड़ा सर्कल कर रहे हो, आपने एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ किया उस मैदान में। अब उस मैदान के अंदर आप खड़े हो और उस सर्कल में उन सब को देखो जिसे आप जानते हो, आपके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, फ्रेंड है, जिसे भी आप जानते हो, जिन लोगों को भी आपकी बुद्धि में आते हैं, वो सारे जो है वो इस सर्कल के अंदर है। ओके, अब उसके अंदर और एक छोटा सर्कल ड्रॉ करो, उसके अंदर और एक छोटा सर्कल ड्रॉ करो और आप एक स्टेप उस सर्कल के अंदर फॉरवर्ड जाओ। अब उस सर्कल के अंदर उनको देखो जिनसे आपका कोई रिश्ता है, आपका करीबी रिश्ता है, उन रिश्ते वालों को जो आपको पसंद है, वो कुछ गिने चुने रिश्ते। अब उसके अंदर और एक सर्कल ड्रॉ करो और अब उस सर्कल के अंदर आप स्टेप इन करो। अब उसके अंदर उन इंसानों को याद करो जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते हो, वो आपकी जिंदगी में होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अपनी आंखें खोलो। आपको उस सर्कल में कौन दिखा जिसके अंदर, जिसके बिना आप जी नहीं सकते? हस्बैंड और बच्चे। हस्बैंड और डॉटर। ओके, हस्बैंड और बच्चे। और वो सर्कल में कौन दिखा जिसके अंदर आप, जिसको आप जानते हो, मतलब आपके क्लोज रिलेशनशिप वाले हैं, उसके अंदर आपने किसको देखा? भाई बहन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबको देखा। और जो बड़ा वाला सर्कल था उसके अंदर? उसमें भी सबको देखा। ओह, सो देन ये सारे सर्कल के अंदर भगवान के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं थी, करेक्ट? इस सारे सर्कल में भगवान तो कहीं पे फिट ही नहीं हुए, राइट? सो वी थिंक दैट वी आर ओके विदाउट हिम, वी कैन मैनेज, राइट? तो यही होता है कि हम अपने सर्कल को देखें, तो हम जिसको याद करते हैं तो इनको याद करना हमारे लिए इजी है। तो ये आपका पहले लेसन का जवाब है, आपका योग इनके साथ लगा हुआ है। योर एनर्जी इज कनेक्टेड, योर लाइफ इज कनेक्टेड एंड ड्रिवन बाय दिस सर्कल्स, दैट्स वेयर यू आर राइट नाउ। ओके, ओके, अब जो सर्कल में है, अभी हम ये हरेक का जो है उसका मेडिटेशन करेंगे। अभी आप अपनी आंखें बंद करो और आपके नेबर जो है, उन नेबर की उस नेबर के घर में जो मेन दो व्यक्ति है, उस मेन जो व्यक्ति के चाचा के बेटे को याद करो। आपको दिखा? आंखें खोलो, दिखा? आपके पड़ोस के चाचा के बेटे को याद करो, दिखा? वो नहीं, नहीं दिखा ना? नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जानते ही नहीं, जानते नहीं है। हाँ, तो ये है पहला स्टेप मेडिटेशन के लिए। आप वो किस बात पे मेडिटेशन करेंगे? मेडिटेशन का पहला फाउंडेशन है इंट्रोडक्शन। यू शुड नो द कंसेप्ट, और इसीलिए थियरी जरूरी है। ड्राइविंग लेसन जाने को जाते हैं, बिहाइंड द व्हील जब टेस्ट देना होता है, उसके पहले थियरी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? थियरी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? अमेरिका में तो देनी पड़ती है, इंडिया में तो सिर्फ हरी नोट देनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हाँ थियोरी की एग्जाम देनी पड़ती है, इंडिया में भी देनी पड़ती है, थियोरी की एग्जाम देनी पड़ती है। ओके okay. मुझे लगा सिर्फ हरी नोट दो तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। हाँ नहीं ओके okay. अभी आप बैठ जाओ, वापस मेडिटेशन करते हैं। अब कुछ पल के लिए अपने बचपन में चले जाओ। अपने घर में देखो, जो भी बचपन की आपको स्मृतियां है वो देखो। उस बचपन में जिसके साथ खेलते थे, जिसके साथ पढ़ते थे, उन दोस्तों को याद करो। अपने माँ बाप की उन छवि को याद करो जो आपने बचपन में उन्हें देखा है। उनकी बातों को याद करो जो उन्होंने आपको कभी सिखाई है और आपको याद रही है। अपने घर को याद करो, अपनी बुक का ड्रॉवर याद करो। उस ड्रॉवर को खोल के, उस कबर्ड को खोल के अपनी स्कूल बैग को याद करो। अपने लंच बॉक्स को याद करो। आंखें खोलो। दिखाई दिया कुछ? तो दिखाई दिया। हाँ दिखाई दिया। क्या कुछ तो दिखाई दिया मगर सब कुछ और दिखाई दिया। लंच बॉक्स नहीं दिखाई दिया। गुड गुड। हाँ क्या दिखा? सबके चेहरे दिखाई दिए, सब कुछ दिखाई दिया राइट? आपने आप फ्लाइट लेके गए उधर? नहीं नहीं है। ओके घर से बाहर से आपने ये देखा कि आप घर से बाहर निकल रहे हो? वो देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। मैंने बोला सीधा घर में जाओ, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट उधर राइट। आप सीधा लैंड ही घर में हुए, वो भी बचपन में ही लैंड हुए राइट। जवान भी याद नहीं आई, समझा? इसको योग कहा जाता है। और आपने सिर्फ देखा नहीं, आपको महसूस भी हुआ ना, एनर्जी महसूस हुआ राइट? कुछ तो महसूस भी हुआ ना, लव महसूस हुआ, एनर्जी महसूस हुई, कनेक्टेड महसूस हुई। तो जब आप देख रहे थे साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ राइट, जरूर हुआ। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मेडिटेशन। अभी रुपिंदर बहन आपको बहुत सारे थॉट आए क्या? किधर गए? किधर गए थॉट? किधर गए? तो मैं सारा दिन बैठी रहूं, आपको कमेंट्री देती रहूं, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, आपके थॉट कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ साथ ही घूमेंगे राइट मतलब हमें योग करना आता है। दिस इज मेडिटेशन। Because you didn't only see, you felt that energy. क्योंकि आपके बचपन के साथ आपकी स्मृति है और स्मृति के साथ अनुभव है और अनुभव को रीलिव करना easy है। पड़ोसी के चाचा के लड़के के साथ कोई अनुभव नहीं है, तो वहां पे एनर्जी कनेक्शन नहीं हुआ, समझा? यू कुडंट कनेक्ट टू दैट गाइज एनर्जी, बट यू कैन कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स, योर बुक, योर ड्रॉवर, योर चाइल्डहुड, बिकॉज यू हैव रिलेशनशिप। ओके
नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं स्नेह में। अभी बैठ जाओ, आंखें बंद करो वापस। अब स्मृति में लाओ अपने पिता को, अपने पिता की छवि को, उनके स्वरूप को, मैं अपने पिता के पास बैठी हूं, मेरे पिता का मुझसे बहुत प्यार है, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं अपने पिता के पास गई और पिताजी को कहा आप मेरे सर पर हाथ रखो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे इस कार्य में सफलता हो। बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे सर पर मेरे पिताजी ने बहुत हल्के से हाथ रखा, स्नेह का हाथ, और कहा बच्चे जिंदगी में हमेशा सफल बनो, खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो जाए। और बहुत प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा। अब मेरा हाथ मेरे पिता के हाथ में है और मुझे उनके प्यार का एहसास हो रहा है। मैंने अपना सर अपने पिता के शोल्डर पर रख दिया है। I feel loved. अब आंखें खोलो। Would you feel that love? Yes. Could you feel? आपको दिखा आपके पिताजी ने आपके सर पे हाथ रखा? Yes. आपको पिताजी का प्यार आंखों में दिखा? तो मम्मी नहीं दिखी? नहीं। वापस वही। अभी आप बोलो कि बहन आपका प्रॉब्लम है, आपने मम्मी बोला नहीं तो मम्मी कैसे देखेंगे? आपने प्यार महसूस किया अपने पिता का? तो वो प्यार कहाँ से आया? पिताजी के हाथ अभी सर पे है? अभी फिजिकली पिता का हाथ सर पे था? नहीं, लेकिन प्यार फील हुआ। हाँ जी। क्यों हुआ? क्योंकि जहां प्यार होता है एनर्जी फ्लो होती है, इसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन माना सिर्फ मूर्ति की तरह बैठ जाना और खाली हो जाना? नो, नो, ओके, चलो लास्ट यात्रा पे जाते हैं, प्राप्ति। वापस बैठ जाओ। आंखें बंद करो। और उस व्यक्ति को याद करो जिससे आपने जिसे आप जानते हो, जिससे आपका रिश्ता है, जिसे आप प्यार करते हो।
उस व्यक्ति को याद करो। अब वो याद करो कि तुमने उससे क्या पाया है, तुम्हें क्या मिला है, प्यार, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, क्या मिला है मुझे इस व्यक्ति से। अब उस व्यक्ति को जो आपने दिया है वो याद करो, प्यार, सपोर्ट, काइंडनेस, केयर, कंपैशन, और उस व्यक्ति से जो भी मुझे मिला है उसको मैं दिल से अप्रिशिएट कर रही हूं। थैंक्स टू बी इन माय लाइफ, यू हैव गिवन मी अ लॉट, तुमने मुझे प्यार का एहसास कराया, तुमने मुझे अपने होने की वैल्यू समझाई। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, आई अप्रिशिएट यू। आंखें खोलो, वो व्यक्ति दिखा, उसकी अच्छाइयां दिखी, उसका प्यार फील हुआ, एनर्जी एक्सचेंज फील हुआ, कैसा फील हुआ, अच्छा। क्या फील हुआ, थैंक यू बोला कि नहीं बोला? बोला थैंक यू। अभी वो व्यक्ति को मैंने नहीं, मुझे जानना नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है तो आप जानो, वो जाना है, लेकिन वो व्यक्ति का मैंने आपको नहीं बताया कि किसको देखो, मम्मी को डैड को, पापा को देखो, किसको देखो, अपनी चॉइस से देखा ना। इस बार मेरी चॉइस नहीं थी ना, आपकी चॉइस थी, राइट? और आपने देखा, आपको क्या फील हुआ जो भी आपने उनसे पाया है? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, राइट? So, this is the so this is what is happening in the process of meditation. So these are the steps कि हम पहले हम अपने को जाने और हम सुप्रीम पावर को जाने। सुप्रीम पावर से मेरा क्या संबंध है? जैसे कि आपने अपने सर्कल्स को देख के देखा कि अभी तक तो कोई भगवान के लिए ऐसी कोई स्पेस बनी हुई नहीं है, हमारे पास कोई स्पेस खाली नहीं है रेंट देने के लिए भगवान को, थोड़ी सी स्पेस बनाना, मैं थोड़ा आपको फैसिलिटेट करती हूँ, देखिए थोड़ा सा जगह भगवान के लिए भी थोड़ी बन जाए, राइट? तो थोड़ी ट्राई करते हैं। तो ये जो चार प्रकार की याद होती है ना, तो वो चार प्रकार की याद की प्राप्ति के आधार पर है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको परिचय दिया कि इस बाजू वाले के चाचा के बेटे को याद करो, तो क्या लगा ऊपर, क्या लिखा है स्क्रीन पे, कौन सी याद थी? वो मेहनत वाली याद, मेहनत लगी ना, मेहनत करके भी नहीं याद आया, राइट? वो मेहनत करके भी याद नहीं आया। फिर जब संबंध वाली याद होती है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, सो कॉल्ड प्यार, मैं प्यार करती हूं, मतलब मैं जब भी कहती हूं ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मतलब मैं तुम्हारी ओनर हूं, आई ओन यू, व्हेन आई से आई लव यू मीन्स आई ओन यू,
Why? Because I love you, you have to do this. I love you, you should do this for me, right? Because प्यार करती हूँ तो मुझे प्यार वापस चाहिए, right? और अगर वो reciprocal नहीं होता है तो फिर वो सताता है, मेरा बेटा तो मुझे फोन नहीं करता है, ये तो मेरी केयर नहीं करता है, ये सब डायलॉग याद आते हैं, यू डोंट केयर फॉर मी, यू डोंट इवन कॉल मी, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं जीऊ या मरू, यू डोंट केयर, राइट? हियर आई लव यू सो मच एंड दिस इज व्हाट यू डू विद मी, ये सब डायलॉग फैमिलियर लगते हैं, हाँ, राइट? ये फैमिलियर डायलॉग है ना, यू डोंट केयर, तुम नहीं करते हो, ये करते हो, या तो उसकी यादें सताएगी. अभी एग्जाम्पल है, राइट? आपका बेटा कहीं पार्टी पे गया है रात को, वापस नहीं आया है, आप उसको फोन कर रहे हो, फोन कर रहे हो, फोन कर रहे हो, वो उठा ही नहीं रहा है, 12 बज गया, 1 बज गया, फोन नहीं उठा रहा है, फिर क्या होगा? ऑफिस का बॉस याद आएगा कि वो ही याद आएगा? वही याद आएगा. बेटा 1 बजे तक आया नहीं है, फोन नहीं उठा रहा है, उसके फ्रेंड्स भी, फ्रेंड्स को पता नहीं है वो कहाँ है, तो आपको पॉजिटिव याद आएगा या नेगेटिव याद आएगा, वो बताओ? नेगेटिव. वो कोई बात नहीं, वो चिल कर रहा है, फ्रेश होगा, कहीं पे भी सेफ होगा, ऐसा याद आता है, ऐसा फील होता है? नहीं. हाँ, नहीं, वो जवाब नहीं देता है, वो आपका फोन नहीं उठाता है, और रात को 2 बजे तक वापस नहीं आया है, तो कौन से विचार आते हैं? Negative. और आप एक सेकेंड भी उसके बिना सोचते नहीं है, करेक्ट? कॉन्स्टेंटली दैट पर्सन इज इन योर हेड. फॉरगेट अबाउट बेटा, इवन इफ यू आर एट वर्क एंड यू हैव योर प्रोजेक्ट मीटिंग, और आपके साथ जो प्रेजेंटेशन करने वाला है, वो प्रेजेंटेशन करने वाला वो आता नहीं है, तो उस समय पर किसकी याद आती है? बेटे की याद आएगी? नहीं, नहीं, प्रेजेंटेशन वाले की याद आएगी, और इतनी जोर से आएगी कि दुनिया भूल जाएगी. इतनी जोर से आएगी, राइट, कि दुनिया भूल जाएगी फिर. क्यों? तो वो याद जो है वो है सताने वाली याद. स्नेह के आधार पर जो याद होती है वो खो जाने वाली याद होते हैं, राइट? जबी पता है कि लाइक किसी किसी की नई नई शादी हुई है, या अभी अभी नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ है, और बहुत याद आता है, या बहुत पसंद है, या कोई व्यक्ति बहुत पसंद है, तो उसकी याद में बैठेंगे तो सामने से कोई भी जाएगा आएगा दिखाई भी नहीं देता है, राइट? तो क्या करते हैं? खो जाते हैं, राइट? जैसे मीरा जो है वो कृष्ण के प्यार में खो जाती थी, राइट? कभी कभी तो हाथ में निवाला होता है और याद में रहते हैं, और क्या हुआ, नहीं खा रहा हूं, राइट? तो जब खो जाते हैं तो माना हम किसी के याद में इतने डूब जाते हैं कि हम हमारे प्रेजेंस से बहुत दूर हो जाते हैं. तो वो स्नेह के आधार पर होती है, और दूसरा है प्राप्ति के आधार पर. जहां पे मतलब है वो याद आता है हमें. देखो, वो हमें, आपको क्या लगता है लोगों को कौन याद रहता है? जिसको पैसा देना है वो याद रहता है, या जिससे लेना है वो याद रहता है? दोनों रहते हैं यार. हाँ? दोनों रहते हैं. सबसे ज्यादा याद किस कौन 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 आता है, लेने वाला या देने वाला? मेरे को तो देने वाला याद. देने वाला. तो आप देवता आत्माएं बन गए हो. इसलिए आपको जिसको पैसा देना है वो याद रहता है, राइट? मुझे तो देने वाला याद रहता है. वो भी याद रहता है, लेना होता है वो भी याद रहता है, राइट? लेकिन जिससे हमें फायदा होता है वो बहुत याद रहता है, इजी याद रहता है, राइट? कि मेरा फायदा किस में है, राइट? तो जो प्राप्ति के आधार पर याद होती है वो स्वार्थ वाली याद होती है. लेकिन हमारी ये जो भी याद है, परमात्मा के साथ के भी जो भी संबंध है, वो मुख्य रूप से 6 संबंध होते हैं. तो परमात्मा को याद करना है, या डिविनिटी को याद करना है, या डिवाइन कॉन्शियसनेस को याद करना है, तो हमें रिश्ते चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, अटेनमेंट चाहिए, और इंट्रोडक्शन चाहिए. तो फुल पैकेज चाहिए. तो मुख्य रूप से जब हम भगवान को याद करते हैं तो पॉइंट ऑफ लाइट तो वो है, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसका मेरे साथ कनेक्शन क्या है,
यू कैन नॉट रिमेम्बर वो नेबर का चाचा का बेटा बिकॉज यू हैव नो कनेक्शन. जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो यूनिवर्सल लाइट के साथ मेरा कनेक्शन क्या है, मुझे उससे मिलता क्या है, व्हाई डू आई हैव टू रिमेम्बर इट, व्हाई डू आई इवन आई केयर टू कनेक्ट विथ इट, व्हाई. तो सबसे पहले जब हम परमात्मा को याद करते हैं या वो डिवाइन पावर को याद करते हैं तो छह संबंध से याद करते हैं. पहले है माता पिता, उनकी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने भक्ति भी बहुत की है. तो और इवेंचुअली जिन्होंने भक्ति की है तो जो गीत गाए हैं अर्चना की उसमें कहते हैं. अभी आप मुझे, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपका बेटा, आप जितने भी बैठे हैं खुदा की मेहर है कि आपके पास सब कुछ है, राइट. और अगर आपका बेटा या आप खुद अपने माँ बाप के पास जाके कहो अरे आप तो बहुत बुद्धिशाली हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो बहुत धनवान हो, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे में तो बुद्धि नहीं है, मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, तो आपके माँ बाप क्या कहेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, पागल है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, नहीं बोलेंगे, राइट. तो हमने क्या किया, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तुम ऊंचे मालिक हो, तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो फलकामी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो वर्थलेस हूँ, तुम तो बहुत ऊंचे, मैं तो बहुत नीचा. ये क्या है, हाउ डू गॉड फील्स. और वहां पे जाके बोलते हैं कि तुम मेरे माता पिता, मतलब वो भाई माता पिता तो भगवान तू प्यार का सागर है और मैं एक बूंद के लिए भिखारी हूँ. आप बोले, आपका बच्चा आके बोले आपके पास बहुत पैसा है, उसको आपने सब कुछ दे के रखा है और आपके आगे आके वो बोले कि पिताजी मैं तो एक डॉलर का भिखारी हूँ, व्हाट हाउ डू यू फील. कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, तेरे को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, देयर इज सम साइकोलॉजिकल इश्यू विद यू, इजंट इट, यस. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, we are behaving like a psychological patient when we are going to temple. Like what, tum bhagwan tum uche tum vishw ke nath aur main tumhara bachcha bhikari, mangta rahe. Stop it. In meditation you don't ask, period. You just don't sit and ask for nothing. समुंदर के पास जाके बोलते नहीं है हवा दो, हवा दो, ठंडी हवा दो, यहाँ से थोड़ा सूरज की रोशनी दो, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, राइट. एकदम साइलेंस के अगर आप सकोया ट्रीज पे जाओ या एकदम नाइस माउंट शास्ता पे जाओ और कहो कि ओ मेरे को शांति दो, नहीं, यू डोंट डू दैट, इट्स देयर, फील इट. तो इसी तरह से मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट यूनिवर्सल एनर्जी एंड जस्ट फील इट, दैट्स इट, राइट. उनसे जस्ट फील इट, जस्ट बी देयर, जस्ट बी. और इसीलिए वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग. सो जस्ट बी व्हाट यू आर एंड दैट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन. बी एंड एक्सपीरियंस दैट बीइंग. I am a being. I am a being of light. I am a being of love. Let me be that. Let me experience it. Let me reflect it to my sense organs. My sense organs, if it is not radiating what I am being, then I am disconnecting myself with what I am and what I do. Yogi is the one which is connected. That's called yoga. Connected being with doing. Your being and doing is the same. और teacher और student, अभी आप मुझे बताइए teacher और student और गुरु और शिष्य में क्या फर्क है? Teacher student का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ते में क्या फर्क है? Much higher level of understanding and wisdom. गुरु को हम पूरी तरह से follow करते हैं. टीचर को नहीं, टीचर को हम पसंद नापसंद दोनों तरह के टीचर होते हैं.
गुरु भी पसंद ना पसंद होते हैं, इसलिए कितने सारे लोग गुरु बदलते हैं। गुरु भी बदलते हैं लोग, नहीं बदलते हैं? गुरु बदलते नहीं है? बदलते हैं, तो क्लास बदलता है, टीचर बदलता है, जीवन में हर मोड पे गुरु भी बदलता है। गुरु और शिष्य में क्या, गुरु और टीचर में क्या? द स्पिरिचुअल नॉलेज गॉड की तरह से। तो टीचर जो है वो फिजिकल एजुकेशन देता है, फिजिकल वर्ल्ड में रहने की स्किल सिखाता है, और गुरु जो है वो मेटाफिजिकल लेवल के ऊपर लेकर जाके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में समझाता है। और गुरु माना वो जिसका, जो हमें एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे कनेक्शन करना सिखाता है, और इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती है। लेकिन गुरु के बिना गति नहीं होती है, लेकिन हमें कोई फिजिकल गुरु के अंदर स्टक नहीं का हो जाना है। क्योंकि कल ही मेरे को किसी ने मैसेज भेजा था कि कितने प्रकार के गुरु का मार्केट बढ़ चुका है, कि अगर वो मार्केट के अंदर मैं लॉस्ट हो गई तो आई एम गोइंग टू लूज माय ओन स्पिरिचुअल जर्नी, राइट? तो गुरु भी, ये सच्चा गुरु है वो आपको कैसे पता चलेगा, राइट? तो परमात्मा जो है वो सत्य गुरु है। और यहाँ पे मुझे, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं दो बात थी कि मैं फिजिकल बॉडी वालों को मैं भगवान मान नहीं सकती, और मैं फिजिकल बॉडी वाला मुझे भगवान को मिलाएगा ये मानती नहीं थी। जो खुद ढूंढता है वो मुझे कैसे मिलाएगा? जिसे खुद को नहीं मिला है वो खुद ढूंढ रहा है, मुझे कैसे मिलाएगा, राइट? इसलिए मैं कभी दाढ़ी वाले सैफ्रॉन कपड़े वालों के पास जाके मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे तो डर ही लगता था, तो मैं तो घबरा जाती थी वो सब। मैं कभी, मैंने जिंदगी में गुरु नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये नॉलेज लिया और मुझे पता चला कि गॉड इज अ सुप्रीम लाइट एंड ही इज देयर फॉर यू, एंड देन व्हेन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम ही कैन गाइड यू, देन आई गॉट इट, आई सेड दैट आई एम सेफ नाउ। और परमात्मा को खुदा दोस्त की तरह भी हम ले सकते हैं। मैं तो लिटरली बाबा को बोलती हूँ कि मेरा मेरी वाटर बॉटल नहीं मिल रही है, कहाँ है, तो मैं भगवान से ऐसी बातें करती हूँ। तो यू टॉक टू हिम, हैव अ कॉन्वर्सेशन, जो जो से नहीं बोल रहा है, वरना वापस आपको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएगा। अंदर बात कर, ओके? तो अंदर दिल ही दिल में परमात्मा को के साथ एक दोस्त की तरह बात करनी, वो हमारा प्रियतम है, राइट? कि देखो, हर जगह पे, हर समय पे, हर मोमेंट में हमें एक प्रकार की इमोशनल नीड्स होती है, और उस इमोशनल नीड के लिए हमेशा फिजिकल ह्यूमन बीइंग हमारे पास होना नामुमकिन है। वी हैव अवर ओन फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, एंड 24/7 यू विल नॉट हैव एनी body, human body, who can fulfill it. Agree? Yes. Yes. Do you think so that you have emotional and psychological needs? Yes. Yes. Do you think so that 100% anybody can fulfill it, the when you want, how you want, what you want? No. No. Right? So that's why you need that energy who is available for you 24/7. Okay? So that energy is the universal, supreme, pure energy where you connect. जैसे आपने अपने पिताजी के साथ connect किया, आपने अपने school के memories के साथ connect किया, आपने उस व्यक्ति के साथ connect किया जिसके पास से आपको प्राप्ति होती है, तो अभी जरा इस नई 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 स्टडी के अंदर एक नए डिमेंशन में अपने और अपने अपनी चेकिंग करो कि क्या मुझे इससे कोई प्राप्ति होती है, कोई फायदा होता है, दैट यू ट्राई, ओके? तो परमात्मा को बच्चा बनाओ, जैसे सती अनसुया ने कृष्ण को अपना बच्चा बनाया था, तो बच्चे की तरह, शिव बालक की तरह। देखो, मुझे तो बच्चे है नहीं, तो मेरे लिए तो परमात्मा ही बच्चा है,
तो मैं भगवान को बच्चा बना लेती हूँ। तो एक हमारे यहाँ पे एक माता जी थी। देखो भाव भगवान ना परमात्मा ये भावना का विषय है और तर्क का विषय है। अगर आप टोटल इंटेलेक्चुअली इस स्टडी को करने जाओगे, स्पिरिचुअल स्टडी इज नॉट ए इंटेलेक्चुअल स्टडी। तो इंटेलेक्चुअली अगर आप इसको देखने जाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह देखोगे, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सपीरियंस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रे एरियाज। बहुत सारे ग्रे एरियाज है, उसे समझने की कोशिश करनी है। और इसीलिए ये मेटाफिजिकल की बात ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये कोई सेंस बनने की बात नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस बट डू यू फील इट? If yes, then listen to that thing which makes you feel. तो वो feeling के ऊपर विश्वास करना सीखो, उस experience के ऊपर विश्वास करना सीखो, ना कि शब्दों पे या fact पे या logic पे। क्योंकि कुछ हद तक वो logical के बाद वो logic भी खत्म हो जाता है, then it goes beyond the logic. There is no logic, but it is happening. तो एक माता जी थी, तो वो माता जी है ना, उसके उसके बच्चे फॉरेन में रहते थे और वो मेडिटेशन करती थी और मानती थी, भगवान को मानने लगी थी। तो बीमार पड़ी, एक बार बीमार पड़ी और उसको पानी देने के लिए भी कोई नहीं था। और वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसी कई माताएं इंडिया में रहती है, सारे के सारे बच्चे जो है अमेरिका में रहते हैं उनकी टेक करने के लिए कोई नहीं होता है। और लोग बच्चे पैदा करने का पर्पस का जो ये लॉजिकल रीजनिंग ये देते हैं, बच्चे पैदा करो तो हम बुड्ढे हो जाएंगे ना, तो हमें वो काम आएंगे। पहले तो यही देते थे, अभी भी यही देते हैं, तुम बच्चे नहीं करोगे तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, राइट? तो वो हिसाब से वो एक होता है कि और फिर हमारा वंश कौन चलाएगा, अदर रीजन एग्जाम्पल। तो ओके, अभी तुम अकेले हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर है, कोई नहीं है, अभी क्या करेंगे, राइट? तो कौन सेवा करेगा? तो वो माता जी जो थी, उसका कनेक्शन मेडिटेशन में इतना परमात्मा के साथ लगा रहता था, तो वो कहती थी कि देखो मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन शिव परमात्मा तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारा बालक हूँ, तो चलो अभी जरा मेरे लिए पानी लेकर आओ और मेरे पैर दबाओ। तो ऐसा नहीं कि कोई वो हवा में से उड़ के पानी का ग्लास उनके बाजू में आया, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन शी फेल्ट It's kind of उनकी she felt that her emotional and psychological needs because she had that so deep connection, उसको सचमुच feel होने लगा कि जैसे मेरे body से जो है वो release हो रही है, मेरी थकान दूर हो रही है और परमात्मा जो है वो मेरे पैर दबा रहे हैं। मैं आपको ये अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं meditation center में, जो retreat center में है ना, तो कभी कभी 100-100 लोग होते थे, 100 पीपल आते थे और हमारे पास हैंड्स कम होते थे। और मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑल द राउंड 100 पीपल का, बिकॉज आई एम अ शेफ, तो मैं कुक करती थी। तो हाँ, वो काट कूट के तो सब्जी देंगे, लेकिन ऑन द स्टोव आई हैव टू स्टैंड। तो रोज रात को जैसे मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे कोई मेरी जो भी मेरी शरीर की जो थकान है वो उतारता है, और मैं थकी नहीं थी। लेकिन 7 दिन के बाद जब वो सब कुछ खत्म हो जाता था, आई यूज टू कोलैप्स। मेरे पैर दर्द करते, मेरी कमर दर्द करती, मेरा सर दर्द करता है, बट 7 डेज नथिंग। सो ये मेरा बहुत बार का अनुभव है कि जब हमारा कनेक्शन होता है, then you feel that some energy is giving you support. And this is not explainable, right? ये शब्दों में नहीं होता है, ये feel करने की बात है, experience करने की बात है। और धीरे धीरे जब हम आपको सिखाते जाएंगे, you will start experiencing it if you try it, okay? Now, meditation क्या है और meditation क्या नहीं है? Meditation माना विचार शून्य होना नहीं है। Meditation कोई प्रार्थना करना नहीं है, prayer नहीं है। प्रार्थना जो है और मेडिटेशन है उसमें क्या फर्क है? प्रार्थना इज अ वन वे कम्युनिकेशन, मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या करते हैं प्रोसेस में? प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? गॉड गिव मी दिस 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 दिस, और उसके जो राइम्स लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, सब बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी
लेकिन मैं भी अगेन एक बार मेरे से सुन लो। तो मेडिटेशन में क्या होता है, एक बच्चा था, एक ग्वाला था, और वो ग्वाला जो था वो अपनी अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए दूर जाता था, जंगल में जाता था। गर्मी होती थी तो वो एक झाड़ के नीचे बैठता था और उसके जो भेड़ बकरियां थी वो उसको छोड़ देता था। अभी जब तक वो भेड़ बकरियां घास खाए वो खाए, तब तक वो क्या करे, बोर होता था। तो फिर आकाश की तरफ देखा और किसी ने उसको कहा होगा कि भगवान ऊपर रहता है। तो उसने कहा, देखो भगवान, यहाँ पे मैं भी फ्री बैठा हूँ, तुमको तो ऊपर कुछ काम नहीं है, चलो हम बातें करते हैं। तो उसने उससे बातें करना शुरू किया कि आज तो ये हुआ, देखो ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई, और वैसे वो बात करता था और उसको बातें सुनाई देती थी कि भगवान भी उससे बात करता था। तो ऐसे बात करता रहा। तो रोज आता था, रोज करता था। एक बार वहां से एक ब्राह्मण गुजरा, तो वो जो ब्राह्मण जा रहा था तो ये लड़के को बड़बड़ाते हुए देखा, ऊपर आकाश की तरफ देख रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो उसने बोले, क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? तो कि मैं देखो मैं भगवान से बात कर रहा हूँ, हम दोनों फ्री है बैठे तो बातें कर रहे हैं। तो देखिए कि ये कोई भगवान के साथ बात करने का तरीका है? ये तो क्या वो अनपढ़ की तरह बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बात करते हैं, रुको मैं तुमको सिखाता हूँ। उसने इतना लंबा चौड़ा संस्कृत का श्लोक सिखाया। अभी वो बच्चा, भरवाड़ का बच्चा, वो बोलते मैंने तो कभी संस्कृत सीखी नहीं है, मुझे तो आती नहीं है। बोले बैठ, मैं तुझे बैठ के सिखाता हूँ। उसको बिठाया, 2 घंटा बिठाया और रट्टा करवाया उसको, रट डा। वो बच्चा तो खुश हो गया कि देखो आज मैंने कोई अच्छी नई बात सीखी, आज से मैं भगवान से पास ये संस्कृत के श्लोक बोलूंगा। और उसने तो बोलना चालू किया। और ये ब्राह्मण वहां से गया मंदिर में बैठा, पूजा करने बैठा, और भगवान को बोलता है कि देखो भगवान, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, आपके बच्चे को आपसे बात करना सिखा दिया। वो कैसे बात करता था? मैंने उसको अच्छे से सिखा दिया कि कैसे श्लोक करके भगवान को बात करते हैं। तो उसमें आकाशवाणी हुई, परमात्मा प्रकट हो गए। उसने बोला, तुमने खाक उसको बात करना सिखा दिया, तुमने तो उसको मुझसे दूर कर दिया। तो उसने बोला, क्यों भगवान, क्या? तो क्या अभी वो जो बोलता है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, एक ही बात रट्टे जा रहा है, न उसको समझता है न मुझको समझता है, तो तुमने तो मेरा उसके साथ कनेक्शन तोड़ दिया, ये क्या है? तो बोले, मैं तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तुमने एक 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 भगवान का कनेक्शन उसके बच्चे के साथ तोड़ दिया है। कहने का भाव ये, जैसे कि आपका बच्चा हो या आप अपने मम्मी डैडी के पास जाओ, ये एग्जांपल है कि एक परिवार में बेटा रहता था, बेटी रहती थी, ओके? तो उसके बाप के पास गया बच्चा और बोलता है, पिताजी आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे हो, आपने तो बहुत अच्छा किया है, और देखो मैंने आज ये किया है, वो किया है। तो वो उसकी बहन देख रही थी कि वो उसका भाई क्या बात कर रहा है डैडी के साथ। तो उसके डैडी उसकी बातें सुन के खुश हो गए। तो वो भाई गया बहन को बोला, देखो तुम ऐसी बातें करो डैडी खुश हो जाएंगे। तो वो बहन गई और डैडी के साथ वही बात रिपीट करने लगी। तो डैडी उसके पूछते हैं, तू ये क्या बड़बड़ा रही है? उसने बोला, मुझे तो भाई ने बोला कि ऐसे बात करो तो तुम खुश हो जाओगे। तो वो तो अपनी बात कर रहा था, तो वो अपनी करना, तू उसकी बात क्यों कर रहा है, राइट? तो हमने क्या किया, भगवान के पास जाते थे, किसी ने लिखे हैं, किसी ने आरती लिखी है, किसी ने श्लोक लिखे हैं, किसी ने ग्रंथ लिखे हैं, जा जाके पढ़ते हैं। अभी वो तो उसका लिखा हुआ है ना, मेरा लिखा हुआ क्या है? तो मेडिटेशन में मैं वो करती हूँ जो मैं लिखती हूँ। आई स्पीक माई स्क्रिप्ट, नॉट द स्क्रिप्ट रिटन बाय समबडी एल्स। यू गॉट इट? आई हैव माई ओन स्क्रिप्ट एंड आई हैव माई ओन क्रिएशन एंड दैट्स वॉट हैपन्स इन मेडिटेशन। वी गो इन टू द साइलेंस एंड वी टॉक टू दैट यूनिवर्सल एनर्जी, कनेक्ट विद इट एंड एक्सप्रेस, एक्सप्लेन and feel it and experience it. Meditation कोई मंत्र नहीं है। मंत्र जपने से बुद्धि जो है फिर वापस डिस्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि मन को जो है वो वैरायटी चाहिए।
तो एवरी डे यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ यूनिवर्सल एनर्जी. सो मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन. क्या करते हैं मेडिटेशन में कि पहले आप अपनी सेल्फ एनर्जी को इन्वोक करो. बी देयर, गो इन टू द साइलेंस. व्हेन यू विल गो इन टू द साइलेंस यू विल स्टार्ट हियरिंग द डायरेक्शन. क्या होता है उस प्रोसेस में, हमारा इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत बहुत तीव्र गति से काम करना शुरू करता है. एंड यू फील यू आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट लेवल एंड देन यू कैन लिटरली सी दैट समबडी इज गाइडिंग यू फ्रॉम विद इन. इट्स नॉट लाइक कान में आवाजें बजती है, लेकिन यू कैन फील. मुझे ऐसे फील होने लगा था कि जैसे कोई पाथवे क्रिएट करता है और उस पाथवे के ऊपर मैं जा रही हूँ, और जो पाथवे के ऊपर मैं जा रही हूँ आई फील आई एम सक्सेसफुल. So this is what you are going to see in your practical life, the effect of meditation. Meditation क्या है और क्या नहीं है? Meditation is a channelizing the mind in a specific direction, in a proper direction and in a positive direction. Meditation माना विचार शून्य होना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, मंत्र नहीं है. First step, स्मृति. Second step, concentration. थर्ड स्टेप मेडिटेशन. फोर्थ स्टेप रियलाइजेशन. फर्स्ट स्टेप स्मृति, दूसरा स्टेप स्मरण, तीसरा स्टेप मनन, चौथा स्टेप मगन. तो ये होते हैं चार स्टेप मेडिटेशन के जो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे. मेडिटेशन कब करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, एज सून एज यू गेट अप, नो मैटर व्हाट टाइम. किसी आसन और आसन की आवश्यकता नहीं है. आप सोते हुए कर सकते हैं, बैठते हुए कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, खुली आंख से. राजयोग मेडिटेशन जो हम सिखाते हैं वो खुली आंख से कर सकते हैं. आपको किसी पोस्ट पोजीशन में बैठने की भी जरूरत नहीं है. इसका अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है. वेर एवर यू आर, वॉकिंग, टॉकिंग, कुकिंग, एनी वेयर यू कैन फील इट. हम एक वॉकी टॉकी मेडिटेशन सिखाते हैं. वॉकी टॉकी मेडिटेशन माना क्या? कि एवरी सोल, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग फिजिकली, जो भी फिजिकली करते हैं वो फिजिकली करने के पीछे का जो मकसद है, टू अटेन समथिंग, हैप्पीनेस, ब्लिस, लव, पीस, पावर, स्ट्रेंथ, ट्रूथ, प्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी, क्लैरिटी, कुछ भी करो. बॉटम लाइन इज दिस, इजंट इट? व्हाट इज द बॉटम लाइन? दिस. सो बॉटम लाइन अगर मेरी ये है तो बॉटम लाइन सबकी यही है. सो व्हेन आई सी एनीबडी इन फ्रंट ऑफ मी, मैं क्या करूं? ये ट्राई करो. एक भले इट लुक्स, इट फील्स डम, बट स्टिल ट्राई एंड सी हाउ यू फील एट द एंड ऑफ द डे. किसी भी व्यक्ति को याद करते हो या याद आता है तो ये सोचो कि एक सेकेंड में कि लेट दिस सोल फाइंड द पीस, लेट दिस सोल फाइंड लव. इफ समबडी इज हर्ट, और देखो उसको क्या चाहिए, वो उसको पावर दो. दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन. Bring your power from within and throw it out in the universe, and it is going to bounce back million times back to you. And that's how you can stabilize your mental stage. इस तरह से आपकी मन की स्थिति सेटल होने लगेगी और आप बहुत गहराई में मेडिटेशन का अनुभव करने लगेंगे. Unless and until you don't throw this out into the universe, it's going to be very difficult for you to handle it by yourself. Because meditation is all about giving. First, give, you will tend to receive. Giving is the main secret of meditation. Dena sikho. Doge, antaratma mein anubhav hone shuru ho jayega. Aur kya dena hai? Jo aap ho.
क्लैरिटी दो, ट्रुथ दो, शांति दो, शक्ति दो, प्रेम दो, आनंद दो, खुशी दो, ये सब चीजें देना शुरू करो। अगर नहीं है भगवान से लेकर देना शुरू करो, अपने पास नहीं है, आप खुद हर्ट है, किसी को क्या हर्ट, किसी को क्या खुशी देंगे, खात खुद हर्ट हुआ इंसान। और देखो ये जितने भी मैंने कहा ना उसके अपोजिट्स है, क्लैरिटी का इन अनक्लैरिटी है, हैप्पीनेस का सोरो है, ब्लिस का कोई अपोजिट है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्लिस? देयर इज नो अपोजिट ऑफ ब्लिस। अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिटेशन इज टू रीच टू द पॉइंट ऑफ ब्लिस। ब्लिस मीन्स दैट्स इट, I just don't want to go from here. I don't need anything. I am full. That's called bliss. हमें अपने संपूर्णता का, completeness का अनुभव जितना deep और powerful होगा, हमारी emotional dependency clean out हो जाएगी. It's an ultimate goal. To be free from any emotional dependency of the soul. And that is a higher goal, but that starts from deep, 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 deep down your meditation practice. How to do it? Think less, think slow, think better, slow your thoughts, apply traffic control. Think less, think slow, think better, slow your thoughts, apply traffic control. What is a traffic control? Traffic control में कितनी light होती है? जाग रहे हैं सब? तीन light होती है, right? तीन light होती है. First red. Red means relax. So first meditation मैं आपको क्या बोलती हूँ? Relax your body, relax your mind. Cool down, body की energy को cool down करो, right? Then go deep and reflect. In reflect, तीन और step होते हैं. Choose, change and become. Reflection में क्या होता है? आज मैंने meditation में जो कराया, अपने विचारों को देखो, उसमें से choose करो, नहीं ठीक है, उसको shift करो, change करो, और फिर वो बन जाओ. Example, मैं रिलैक्स हूं, अभी मेरे अंदर कौन से थॉट चल रहे हैं, ओके, दिस इज माय टाइम फॉर मेडिटेशन, व्हाट आई हैव टू डू, लुक इनटू माय ब्रीथिंग. तो चूज किया ना कि अभी मुझे ये नहीं करना है, मुझे ब्रीथिंग करनी है. फिर वापस चिटी 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 चालू हो गया, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ब्रीथिंग करनी है. फिर चिटी 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 होगा, नहीं करना है, ब्रीथिंग करनी है. चौथी बार चिची चिची नहीं होएगा, वो चला जाएगा. फिर ब्रीदिंग हो रही है, तो ब्रीदिंग की पेस को देखो, ब्रीदिंग की पेस से फिर और डीप में जाओ, और उस डीपनेस के अंदर स्टेबिलाइज हो जाओ, और उस स्टेबिलिटी के अंदर फिर चार्जिंग शुरू होता है. सो ग्रीन इज रिचार्जिंग, देन यू रिचार्ज योर माइंड बैटरी. रिलैक्स, चूज, चेंज, become and recharge. So this is the process of meditation. You can control your senses through meditation. You can do meditation while working, while studying, while cooking, while stitching, while with having good time with your family. तो 10 पहले 5 मिनट से शुरू करो. आप में से कितनों ने 10 मिनट कल जो मैंने कहा था वो किया, वो म्यूजिक के साथ किया? कितनों ने किया? मैंने किया. हाँ, कुछ फर्क लगा? कुछ अच्छा लगा स्लीप में? कुछ अच्छा लगा? डू यू फील द चेंज इन योर स्लीप? या आई फेल्ट अस्लीप हाफवे थ्रू. आधे में नींद आ गई है सर? 5 मिनट में नींद? तो क्योंकि क्या होता है, जो जिसको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है या स्लीप डेफिशिएंसी का होता है,
उनको अपने मन के अगर संकल्पों को धीरे 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 सोने के पहले स्पीड कम कर देते हैं ना, तो माइंड स्लीप मोड में जल्दी जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन में नींद आती है, उबासी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो मेरी स्लीप की क्वालिटी होनी चाहिए वैसी स्लीप की क्वालिटी होती नहीं। आप ये रिलीजियसली 7 days करो, यू विल सी हाउ योर डे इज अंडर योर कंट्रोल। आपका सारा दिन जो है वो कंट्रोल में आता जाएगा। यू कैन कंट्रोल योर इमोशन वेरी वेल, यू कैन कैच योर सेल्फ कि नहीं दिस इज नॉट व्हाट आई शुड डू। तो बिस्तर में सोने के पहले और सुबह ये करना, 5 मिनट से शुरू करना, उसके अंदर मेडिटेशन कमेंट्री का जो अगर आपको लाभ वो करना है तो आप कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे ध्यान के कुछ उदाहरण दिए हैं कि आई एम वेरी हैप्पी सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ लाइट ऑफ सक्सेस, मैं अपने आप को जरूरत हो तो मैं स्टेबिलाइज कर सकती हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं आई एम अ मास्टर ऑफ माई ओन सेल्फ, मैं आई लव एवरीबडी एंड आई एम वेरी कंटेंट। ध्यान में अपने दिमाग को खाली नहीं करना है, अपने दिमाग को पावरफुल थॉट से भरना है। तो पावरफुल थॉट से बनने का जो पुरुषार्थ है उसे कहा जाता है मेडिटेशन। वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, अननेसेसरी थॉट्स को निकालकर पावरफुल पॉजिटिव सेल्फ एम्पावरिंग सेल्फ हीलिंग थॉट्स से अपने आप को भरना। आपको लगता है कि दुनिया में ये मार्केट में अवेलेबल है? दुनिया में किसी मार्केट में ये सारे थॉट्स अवेलेबल है आपको लगता है? आपके फ्रेंड्स हैं ऐसे जो आपको बोले ओ तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, यू नो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई रियली लाइक यू फॉर दैट, ऐसा है कोई रोज बोले आपको? नहीं। रोज आपकी स्ट्रेंथ को पहचान पहचान के आपके पास उसका अप्रिशिएशन करे या आपको एम्पावर करे, ऐसा कोई दोस्त है आपके पास? नहीं। सब आपको दुनिया क्या जंक फूड देने वाले दोस्त हैं, मैं आपको 100% बोलती हूँ। किसी के पास कोई ऐसी पावरफुल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास जो आपका सेल्फ एम्पावरमेंट कर सके, है कोई किसी के पास? किसी ने बोला आपको यू आर वेरी पावरफुल सोल, यू आर एंजेलिक सोल, और यू आर सच अ प्योर एंड लविंग सोल, बोला है किसी ने? नहीं। यू हैव सो मच ट्रैंक्विलिटी एंड क्लैरिटी विद इन योर सेल्फ, और रोज बोले, है कोई ऐसा फ्रेंड? फोन उठाओ तो बस आपकी तारीफ ही करे, है ऐसा कोई फ्रेंड? हाँ नहीं। आपको फूलों की माला ही चढ़ाता जाए, है ऐसा कोई फ्रेंड? नहीं है ना? नहीं है। तो फिर आपको मेरी जरूरत है, मैं बोल रही हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपको यही कहूंगी जब भी मिलोगे, राइट? मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, यू बिलीव इट और नॉट, ओके? So that's all about meditation. Any question? और मुझे पूछना था, अगर आप में से किसी ने अभी भी हमें डिटेल नहीं दी है या आप हमारे ग्रुप के उसमें नहीं है तो प्लीज अपना डिटेल देना 415-596-7716 के ऊपर, तो मेरे क्लासेस जो मैं पोस्ट करूंगी तो आपको क्लासेस और मेडिटेशन की कॉमेंट्रीज मिल जाए, ठीक है? अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है? No question? Okay. Mm-hmm. Let's meditate. Sit, relax, and let's follow the 4 steps. First step, experience Smriti. पहले हम स्मृति में बैठेंगे, मैं साइलेंस में बैठी हूं, स्थिर अवस्था में,
और अपनी स्थिति को ऑब्जर्व कर रही हूं। और याद कर रही हूं जो मैंने पिछले 3 दिनों में सीखा है। मुझे ट्राई करना है, मुझे देखना है कि ये वर्क करता है। बिना ट्राई किए तो नहीं समझेगा। Let me try. I'm okay. मैं मस्तिष्क के बीच और हेड के सेंटर में जैसे दिया जलता है, वैसे उस लाइट को मैं देख रही हूं। कैंडल के ऊपर जैसे लाइट चमकती है, वैसे मैं कैंडल की लो हूं, लाइट हूं। दिस लाइट इज फ्लिकरिंग और मैं इस लाइट के अंदर समाती जा रही हूं। लाइट बनती जा रही हूं। मैं लाइट हूं, प्रकाश हूं, एनर्जी हूं, शक्ति हूं, पावर हूं, अब स्वयं को इस पावर के सोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। मेरे मन और बुद्धि से मैं इस लाइट को देख रही हूं। आई सी रेडियंट लाइट विद इन मी। ये लाइट सितारे की तरह दिखती है, जैसे आकाश में स्टार होता है। आई एम स्टार, आई एम रेडियंट शाइनिंग स्टार। जिसमें बहुत शक्ति भरी हुई है।
एंड नाउ माय रेज ऑफ लाइट इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ दिस यूनिवर्स and reaching straight to the place of silence. Sidhi rekha mein sitare ki roshni ऊपर की तरफ शांति की दुनिया में शांति के सागर को कनेक्ट कर रही हूं. I am connected to the source. I am connected to the powerhouse. एक करंट की तरह मेरे अंदर भी मैं इस रोशनी को खींच रही हूं. I feel that sense of stability and clarity. I have all relationship with this light. परमात्मा का आकाश का स्वरूप मेरा पिता है, दोस्त है, गाइड है, बिलवर है. बच्चा मेरी सारी उलझने सुलझती जा रही है. प्रश्न समाप्त हो गए. Just happy as I am, what I am. Free, total freedom. Letting go
what I don't need. Letting go of fear. Letting go of all the sorrows accumulated, grudges and guilt. Just letting go. I'm free. I'm okay. I'm at peace. Free world. And that pure energy is keep on brightening my inner light. And just become light, shining light, and be here. Complete. Okay. Ready to move on. The next step. Just be in this stability. Silence. Be here.